हिंद, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ईपीएफ का पासबुक अपना चेक करते होंगे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ढूंढ लेना। तो देखिए, ये रहा मेरा क्रोम ब्राउज़र, तो इस पर क्लिक करके ओपन कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पेज, ये सर्च वाला खुलेगा। अगर आपका ये खुलता है तो ठीक है, ना तो ऊपर 3 डॉट है उस पर क्लिक करिएगा, और न्यू टैब है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका सर्च करने वाला पेज आ जाएगा। तो सर्च बार पर क्लिक करिएगा और सर्च बार में लिखिएगा ईपीएफओ। तो सबसे ऊपर ईपीएफओ आ गया, नहीं तो आपका जहाँ से सर्च होता है वहाँ से कर दीजिएगा। तो हम इसी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो आप अपना पासबुक चेक करते थे, यहाँ मेंबर पासबुक जो लिखा हो यहाँ पर क्लिक करते थे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज खुलता था। देखिए ये नेक्स्ट पेज खुलेगा, पहला पेज खुल गया। तो इसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा, बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना UNN नंबर जो आपका 12 अक्षर का होगा वो लिखिएगा, और नीचे वाले में पासवर्ड लिखिएगा, जो भी आप पासवर्ड बनाए होंगे वो आप लिख दीजिएगा। अगर पासवर्ड बनाने नहीं आता है तो वो भी मेरे चैनल पर वीडियो है, नहीं तो मैं आई बटन पर लिंक भी दे दूँगा। उसके बाद में ये कैप्चा कोड जो है देख करके नीचे वाले बॉक्स में सही सही लिख देना है। उसके बाद मैं सब कुछ अपना लिख करके आपको आगे बताता हूँ। ये सब कुछ लिख दिए, उसके बाद में यहाँ साइन इन जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा कि ये वाला पेज खुल गया। उसके बाद में यहाँ पर पहले आपका सारा बैलेंस दिखा देता था आपको, यहाँ ग्राफ के माध्यम से दिखाता था। वो समस्या है वो अभी नहीं दिखा रहा है। अगर यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, 3 लाइन पर, तो यहाँ से भी आप कोई भी ऑप्शन नहीं ओपन कर पा रहे होंगे। तो ये टेक्निकल इशू है, सही हो जाएगा, 1-2 दिन लगेगा, थोड़ा समय के बाद आपका ठीक हो सकता है, क्योंकि PF में सर्वर में प्रॉब्लम हमेशा रहता है, ऐसा ही एरर दिखाई देता है। इसका मतलब कुछ चेंज करने वाला होगा PF, इसलिए ऐसा ही एरर दिखा रहा है, इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। आपका बैलेंस यहाँ पे दिखता होगा, लेकिन बाकी आप कुछ भी नहीं चेक कर पा रहे होंगे। तो मेरा ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो मैं आपके लिए ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। बैक कर करके फिर मोबाइल के होम पेज पे चले जाइएगा।